नमस्कार एवरीवन, दिस इज अमर चौहान. टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर हर्ड ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स? नो? ओके, जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बताती हूँ कि रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं. दरअसल भारत में रेजिडेंशियल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट 5000 BC का है, और वैदिक एरा में जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने गुरु यानी कि अपने टीचर के घर में ही रहकर सारी शिक्षा लेते थे. और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, लाइक आप कह सकते हो कल्चर है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर सिखाई जाती थी वो है सेल्फ डिसिप्लिन. और मैं आपको बता दूं कि बोर्डिंग स्कूल्स के आ जाने के बाद एजुकेशन का ये ट्रेडिशनल एंशियंट कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया. लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आई हूँ वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल, जिसका नाम है एल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल, जो है दुनेरा में, और ये लखनपुर से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है. और ये रेजिडेंशियल स्कूल एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि ये विश्वास रखते हैं बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में. और आप सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या खास बातें हैं, तो चलिए आपको बताते हैं स्कूल की बहुत 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 सारी खास बातें. फॉलो मी. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस स्कूल, और आप शायद मेरी बात से अग्री करेंगे बहुत सारे पेरेंट्स की स्कूल की एंट्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासतौर पे बच्चों की ज़िंदगी में. सो मैं आपको बता दूं, दे हैव टू रिसेप्शंस. फर्स्ट रिसेप्शन यहाँ है और दूसरा रिसेप्शन इनका अंदर है. बेस्ट पार्ट मैं आपको इस स्कूल की एंट्रेंस का बताती हूँ कि जब भी पेरेंट्स अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ियाँ इस तरफ पार्क की जाती हैं. रीज़न आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों भाई, हमें पैदल जाना है? पैदल नहीं जाना है आप लोगों को. यहाँ पर बच्चों को बहुत ही पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देने की वजह से यहाँ पर बैटरी कार्स यूज़ की जाती हैं, और पेरेंट्स की जितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पार्क करने के बाद उन्हें बैटरी कार्स में ले जाया जाता है. सो है ना, कितनी अमेजिंग बात है. तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी आपको स्कूल की बहुत सारी खास बातें बताना ज़रूरी है. सो ये 50 acres में फैला हुआ पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है. एक ICSE स्कूल है, यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, और जाहिर है कि सेकेंडरी स्कूल है तो क्लास 1 से अप टू क्लास 8 तक है. स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, AC होम लाइक बोर्डिंग स्कूल भी है. वॉट एल्स? आई नो, मैंने आप लोगों को स्टाफ के बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कि एल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल का जो स्टाफ है, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मेंबर्स. और टीचर यानी गुरु जो होता है वो एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही खास रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और उन्हें शेप देते हैं गुरु, उनके गुरु यानी कि टीचर्स. तो यहाँ पर टीचर्स जो हैं, इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया से और इवन अब्रॉड से टीचर्स हायर किए हैं आपके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट देने के लिए. और ये वही गुरु हैं जो आपके बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल में बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहकर कई चीज़ें खुद सीखते हैं. दे सॉल्व देयर डेली प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स एंड लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स. और तो और, दे हैव अल्ट्रा मॉडर्न एंड वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, और आप देख सकते हो दिस इज देयर लैंग्वेज लैब, सिटिंग सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. क्लासरूम, मतलब हम जब छोटे थे तो क्लासरूम में जो डेस्क होते थे, बच्चे ऐसे चिपक के बैठते थे और सारा टाइम जो है एडजस्ट करने में चला जाता था, क्योंकि वो डेस्क बहुत अनकंफर्टेबल होते थे. ये आज मैं अपनी दिल की दास्तान आपसे शेयर करना चाहती हूँ. और यहाँ एल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल में आप क्लासरूम देखिए, यहाँ का डेस्क देखिए, आई मीन जस्ट सी द एम्बियंस, बहुत ही काम, क्वाइट, इतना स्ट्रेस फ्री. मुझे लगता है कि इस तरह का अगर एम्बियंस आपको मिलता है स्पेशली क्लासरूम में, तो बच्चा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा. तो मैं भी ज़रा बचपन की यादों में खोने वाली हूं. सो ये है एल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल की ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, और उसके साथ साथ थर्ड पार्ट जो है उसे आप गेस कीजिए. आई नो आप गेस नहीं कर पाओगे, सो लेट मी शो यू दैट थर्ड पार्ट इज फॉर टीचर्स. जी हाँ, टीचर्स पढ़ेंगी तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगी. सो टीचर्स के लिए यहाँ सेपरेट स्पेस है, एक उनकी रीडिंग को, और यू नो बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल सा है, और पता है ज़्यादा बात नहीं करते हैं लाइब्रेरी में. सो जस्ट
और वहीं स्पोर्ट्स एक बच्चे की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बच्चों को डिसिप्लिन बनाने में, फिजिकली फिट रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एल्पिनस्टॉक स्कूल आपके बच्चे को दे रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, शूटिंग रेंज, बहुत सारी गेम्स हैं जिनका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। और ये सारी की सारी गेम्स आपके बच्चे को सीखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एल्पिनस्टॉक स्कूल में। And they have stress-free learning environment and special emphasis on slow learners. क्योंकि slow learners को special attention चाहिए होती है teachers की, और Alpenstock World School में इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। ये school Wi-Fi enabled है और तो और safe and secure with CCTV surveillance. सबसे पहले नमस्कार सबको। What I want to say कि that आप अपने बच्चे की जो core strengths हैं उनके ऊपर focus कीजिए and find out a best institute for yourself. I could say that Alpenstock World School is the best for you all. It is. And please do visit us and know our teaching methodologies. We even have special workshops for parents. Mm-hmm. And main chahta hu ki aap ek bar hame visit kijiye, hamari workshops attend kijiye, so that you get to know that how we are different than other schools. Mm-hmm. And please focus on your काम होते रहते हैं, सारी जिंदगी काम करेंगे, बट हमारे जो बच्चे का फ्यूचर है वो एक बार अगर वो टाइम हाथ से निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। सो प्लीज़ चूज वेरी वाइसली, वॉट एवर स्कूल यू आर चूजिंग, प्लीज़ चूज इट वेरी वाइसली। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। सो है ना, बहुत ही अमेजिंग स्कूल आपके बच्चे के लिए, एक कंप्लीट पैकेज है ये स्कूल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप, क्योंकि दे हैव ओनली 50 सीट्स लेफ्ट। सो जल्दी करो, मैं भी जा रही हूँ अपने रिलेटिव्स के बच्चों को बताने, सो दैट कि वो जो 50 सीट्स हैं उनमें से दो चार सीट्स तो एडजस्ट हो जाए। सो प्लीज हरी अप एंड स्टे ट्यून्ड।